के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज, देवभूमि उत्तराखंड की आवाज। आप हम सभी जानते हैं कि वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया इस समय परेशान है और लॉकडाउन जो चार थे वो समाप्त हो चुके हैं। अनलॉक इस समय चल रहा है देश के अंदर। जनपद पौड़ी गढ़वाल विकास खंड नैनडाणा में आज वॉइस ऑफ माउंटेन डौलेखाल क्षेत्र में है और हंस फाउंडेशन के माध्यम से माता मंगला जी और भोले जी महाराज के माध्यम से यहाँ पे नमस्ते ऑपरेशन के तहत एक पुण्य का कार्य किया जा रहा है पूरे उत्तराखंड के अंदर, देवभूमि उत्तराखंड के अंदर। और आज विकास खंड नैनडाणा में जगह जगह जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब लोग हैं, उन तक एक राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। तो आइए पूर्व प्रमुख रश्मि पटवाल जी से यहाँ पर बातचीत करते हैं। नमस्कार सभी को। ये हमारे हंस फाउंडेशन एक संस्था है श्री भोले जी महाराज और माता मंगला जी की, उनका एक कार्यक्रम चल रहा है समस्त उत्तराखंड में और समस्त भारतवर्ष में, ऑपरेशन नमस्ते, जिसके माध्यम से वो जितने भी ये हमारी वैश्विक महामारी और कोरोना वायरस COVID-19 जो है उसके दौरान जो ये लॉकडाउन हुआ पूरे भारतवर्ष में, उसमें उन्होंने जो हमारे जितने भी ज़रूरतमंद परिवार हैं उनको जो है अपने हंस फाउंडेशन संस्था के माध्यम से राशन सामग्री जो है वो समस्त उत्तराखंड के समस्त ब्लॉकों में पहुंचाई जा रही है। हम सभी क्षेत्रवासी उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं और हमेशा आभार व्यक्त करेंगे उनका इस सहायता के लिए। अपना आशीर्वाद वो हम सभी पर इसी तरह बनाए रखें। कई संस्थाएं इसमें काम कर रही हैं आजकल क्षेत्र में और एक मुख्य संस्था यहाँ पे हंस फाउंडेशन के द्वारा एक बड़ी मदद यहाँ पे। और हम पूर्व प्रमुख साहब के पास जाएंगे, कनिष्ठ प्रमुख साहब हमारे महेंद्र सिंह रावत जी। तो रावत जी, आप किस माध्यम से इस चीज़ को देखते हैं? धन्यवाद। मैं तो केवल उस फाउंडेशन जो हंस फाउंडेशन है उसका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कम से कम इस महामारी में हमारे इन लोगों का ख्याल रखा। मैं धन्यवाद देता हूँ दिल की गहराई से इन लोगों की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप ऐसी विषम परिस्थिति में भी हमारे गरीब लोगों का, जनता का ख्याल रख रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ युवा नेता पूर्व कनिष्ठ प्रमुख महेंद्र सिंह रावत जी। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है जब आपको ये चीज बांटी जा रही है? ठीक है सर, ठीक लग रहा है, बढ़िया। आपका कार्ड कैसा? बीपीएल है? कौन लगना चाहते ही? ठीक है, अच्छा ठीक है बेटा। तो ये लोग थे जो इस क्षेत्र के वासिंदे हैं, यहाँ के नागरिक हैं और इनकी ज़रूरत यहाँ पे जो एक बीपीएल श्रेणी के लोग आते हैं, एक हंस फाउंडेशन है जो उनके माध्यम से ये चीज़ें यहाँ पे वितरण की जा रही है। तो अगले पड़ाव पे हम निकलेंगे। मैं महिपाल सिंह रावत अपने कैमरामैन वीडियो जर्नलिस्ट के साथ डौलेखाल। लक्ष्मी पटवाल जी से, पटवाल जी ये कब से बात है आप, काम कब से संभाल रहे हैं? ये लगभग ऑपरेशन नमस्ते माता मंगला जी और हमारे भोले जी महाराज द्वारा उनका एक मिशन चल रहा है ऑपरेशन नमस्ते, जो समस्त उत्तराखंड में और उनके द्वारा जो है समस्त ब्लॉकों में राशन सामग्री वितरित की जा रही है ज़रूरतमंद परिवारों को। हम सभी क्षेत्रवासी नैनीडांडा वासी उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं, हमेशा आभारी रहेंगे, हमेशा ऋणी रहेंगे कि उन्होंने नैनीडांडा को भी जो है अपना अपार सहयोग और समर्थन दिया, उनके द्वारा जो है विभिन्न जगहों में ये राशन सामग्री बांटी जा रही है। अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने अपनी पूरी बात यहाँ पे बताई। आज तिमला खोली का दौरा है यहाँ पे, तो यहाँ पे माता जी से पूछते हैं कौन लोग ना आते हैं? अच्छा लगा, बीपीएल कार्ड चाहो? चलो ठीक, आते नहीं मैं तो बीपीएल कार्ड में था जाओ मिलन राशन पर मैं जिठान थी अब मलान तो दया मां जो ये सस्ता करने चेयर या प्रमुख साहब ने चीज जो पूर्व प्रमुख जन जवाब हो दे। हां तो वो माध्यम से ही पटी जाना तुम तक कल कुछ कल के साथ में अगर तो कम खे ऐसा सुनने का लोग नहीं मिला सही बात है ना, सच्ची बात बता रहा नहीं ये तो पहचान से ना ठीक लग रहा है सही और बढ़िया। तो राशन कार्ड भी नहीं कुछ भी नहीं
यहाँ पे जब किसी एक व्यक्ति को वो जरूरतमंद गरीब आदमी को कोई चीज मिल जाता है तो उसके लिए बड़ी बात होती है। तो यही है अंश फाउंडेशन और यहाँ पे हमारी पूर्व प्रमुख साहिबा यहाँ पे पटवाल जी इस कार्य को निभा रही है। तो भाईजो माउंटेन संस्था को सलाम करती है अपने चैनल के माध्यम से। तो चलिए साथियों अगले पड़ाव पे हम निकलते हैं। जय उत्तराखंड, आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज था आपको सहयोग जरूरी छे। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद।